तो हेलो यार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप आप सभी के सभी बड़े होंगे। तो तुम्हारा भाई एक और बार लेके आ चुका है आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो आपके डिमांड पर, हाउ टू डाउनलोड फ्री फायर इन पीसी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि गाइज कैसे यार डाउनलोड करते हैं फ्री फायर को पीसी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम करेक्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि गाइज कैसे आप अपने पीसी में जो है फ्री फायर डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ गाइज बताऊंगा आपको क्या सेटिंग रखनी है अपने पीसी के हिसाब से, ताकि आपको जो गेम प्ले एकदम स्मूथ चले, एकदम अल्ट्रा ग्राफिक्स पर एकदम माशाल्लाह सुभानअल्लाह आपका गेम प्ले चले, तो ऐसी कुछ सेटिंग्स भी बताने वाले। तो यार वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, गाइज स्किप करोगे तो कुछ ना कुछ तो भूल ही जाओगे, एंड भूल जाओगे तो यार आप कहोगे कि गाइज आपकी वीडियो यार काम नहीं कर रही है, जो कि यार मुझे बिल्कुल सुनना पसंद नहीं है। तो यार पूरी वीडियो को जरूर देख लेना। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस इंट्रो के बाद तुम्हारा भाई वापस से आ चुका है वीडियो के अंदर, एंड अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको फ्री फायर अपने पीसी में डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको फ्री फायर को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने पीसी में सबसे पहले खोलना है क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर पे आपको लिखना है एलडी प्लेयर। अगर आप नहीं लिख पाते तो गाइस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है एमुलेटर की, तो गाइस वहां से आपको चले जाना है एलडी प्लेयर की साइट पर। वहां पे आपको दिखाई देगा फ्री फायर डाउनलोड करके एक ऑप्शन, वहां पे आपको करना है डाउनलोड वहां से, एंड डाउनलोड होने के बाद उसकी एक्सरसाइज जो है डाउनलोड हो जाएगी, उसे आपको अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि मैं इधर कर रहा हूँ। अब गाइस इधर थोड़ा इंस्टॉल होने में देर लगेगी, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट, आपका इंटरनेट जैसा चलता होगा उतनी जल्दी वो इंस्टॉल हो जाएगा। इधर मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो डाउनलोड थोड़ा देर में होगा, तो मैं यार डायरेक्ट मिलता हूँ जहाँ पर मेरा पूरा डाउनलोड हो जाता है। तो गाइस अब मेरा जो इधर पूरा इंस्टॉलेशन हो चुकी है, इंस्टॉल होने वाला है, एंड गाइस इंस्टॉल होने के बाद वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, आपको ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस इधर से जो है मेरा ओपन होने भी लगा है, गाइस देख सकते हो, एंड गाइस इस वाले इम्यूलेटर को ओपन होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, 1 to 94% बहुत जल्दी चला जाता है, 94% पे आके थोड़ा सा अटकता है, लेकिन हाँ गाइस वहाँ से भी जल्दी हो जाता है। अभी गाइस मैं आपको सेटिंग भी बताऊंगा आपको इम्यूलेटर में क्या सेटिंग रखनी है अपने पीसी के हिसाब से। तो गाइस इसी के साथ गाइस अपना जो इम्यूलेटर वो स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस इधर से आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है एमुलेटर के, एंड एमुलेटर के 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको सेटिंग मिलेगी। तो गाइस सेटिंग यार ये जो एमुलेटर है ये ऐसा एमुलेटर है कि गाइस पहले से ही अपनी सेटिंग बना लेता है आपके पीसी के हिसाब से। जैसे कि अभी मेरे पीसी में 6 GB रैम है, तो इसने 2 GB रैम जो है रैम ले ली है मेरी, एंड गाइस 2 कोर्स ले लिए क्योंकि गाइस मेरे पीसी में 4 कोर्स है। तो गाइस ये जो एमुलेटर है वो खुद ब खुद अपनी सेटिंग ले लेता है, तो गाइस आपको इसमें कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपकी जो पीसी के हिसाब से खुद ब खुद ही अपनी सेटिंग बना लेगा। उसी के साथ गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ आपको पीसी में फ्री फायर कैसे डाउनलोड करना है। आपको क्या करना है, आपको इधर से सेटिंग से हटना है, एंड गाइस जाना है अपने प्ले स्टोर पे, एंड प्ले स्टोर पे आपको यार साइन इन वगैरह करने को कहेगा, तो अपनी जीमेल अकाउंट वगैरह से साइन इन कर लेना, जैसे कि मैं इधर अपनी जीमेल अकाउंट और पासवर्ड डाल रहा हूँ अभी। एंड साइन इन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको इधर लिखना है फ्री फायर, एंड फ्री फायर आ जाएगा प्ले स्टोर पे, एंड जैसे आप अपने फोन पे फ्री फायर को डाउनलोड करते हो वैसे ही आपको इधर कर लेना है। अब गाइस मेरा डाउनलोडिंग पे तो लग चुका है फ्री फायर, अब थोड़ा नेट की दिक्कत है तो यार थोड़ा सा यार टाइम लगेगा, तो मिलते हैं सीधा वहां पर जहां पर मेरा फ्री फायर डाउनलोड हो जाता है। तो गाइस देख सकते हो अभी जो है मेरा फ्री फायर डाउनलोड हो चुका है, एंड मैं अभी इसे चला के दिखाने वाला हूं, एंड आपको बताने वाला हूं कि गाइस आपको की मैपिंग कैसे करनी है इसमें। की मैपिंग भी यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप फ्री फायर में पीसी में फ्री फायर को खेल रहे हो। थोड़ा यार मैं अटक गया, सॉरी। तो गाइस अगर आप पीसी में फ्री फायर को खेल रहे हो तो गाइस आपको की मैपिंग करनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड गाइस वही मैं बताने वाला हूं आपको कैसे करनी है। तो गाइस देख सकते हो जैसे कि इधर मेरा फ्री फायर खुल रहा है, तो गाइस उधर ही आपको राइट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गाइस कीबोर्ड करके, तो गाइस जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो गाइस आपको जो की मैपिंग वाला सिस्टम है गाइस जो आपका की मैपिंग होती है वो खुल जाएगी। गाइस पहले से यार इसमें कुछ की मैपिंग आती है, अगर आपको इसे चेंज करना आपकी सेटिंग कुछ अलग है तो गाइस वहां से आप कर सकते हो की पे क्लिक करके, एंड गाइस अगर नहीं करनी है डिफॉल्ट पे रखना है तो डिफॉल्ट पे भी आप चला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस यही थी कुछ वीडियो जिससे यार आपको मैंने आज बताया कि गाइस आपको अपने पीसी या लैपटॉप में यार फ्री फायर को कैसे डाउनलोड करना है, एंड गाइस ये एमुलेटर जो है लो एंड पीसी पे भी चल जाता है, 4 GB रैम वाले पीसी पे भी चल जाता है, एंड गाइस एक बार कोशिश करना तो 2 GB रैम वाले पे भी शायद चल सकता है ये वाला जो एमुलेटर है। तो गाइस आई होप आपको आज की इस वीडियो में पसंद आई होगी, एंड यस गाइस अगर आपको ये वीडियो से कुछ फायदा मिला हो, आपको पीसी में फ्री फायर डाउनलोड हो गया हो एंड चल रहा हो, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करें बिना मत जाना, एंड इसके चैनल पे नहीं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल पे सेट कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा सी बाय बाय, पीस गाइस।